उनका वो आला नसब। सुभान अल्लाह। कौसैन से जब वो आगे बढ़ा और कुलस्तरे मिन्हा का खुला, पर्दे को उठा के रब ने कहा ऐ शाह अरब। सुभान अल्लाह। बुर्रा और अफरस दोनों रुके, जिब्रील भी आगे बढ़ न सके, अल्लाह ने पास में बुलवाया मेराज की शान। सुभान अल्लाह। ये शेवन की तमन्ना है इतनी पढ़ता रहे उन्हें नात नबी, जब नाम नबी मुंह से निकले कहने लगे सब। सुभान अल्लाह। फर्श कह कशा तक बिछाए गए थे, जमी आसमां सब सजाए गए थे, मोहम्मद गए अरिश पर ये तो सच है, गए खुद नहीं थे बुलाए गए थे। Yeah.
तमाम आशिकाने मुस्तफा की नजर। दुख दर्द आलम लेकर, दुख दर्द आलम लेकर मक्के में मदीने इधर आधा उधर बाबे खैबर पर अली कर मार देते एक हाथ, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। देखो मक्के में मदीने, मक्के में मदीने में रोते हुए पहुँचे हम, रोते हुए पहुँचे हंसते हुए घर आए। कुल है मगर खुदा की कसम, मेरे नबी की हुकूमत है इस खुदाई पर। मकाम अर्श भी जिनके कदम के नीचे है, मगर वो बैठे हैं टूटी हुई चटाई पर। सूरज पलट के आया तो हैरत की बात क्या, दुनिया के शाह अहमद मुख्तार के लिए अल्लाह को है इतनी मोहब्बत, हुजूर से काबे का रुख बदल दिया सरकार के लिए। बड़ा पसंदीदा शेर नजर कर रहा हूँ अपना, उम्मीद करता हूँ जो लोग दिल में ये लिए हसरत बैठे हैं कि हमें एक बार सही लेकिन उस बारगाह में हाजिरी का मौका मिले, तो ये शेर सुनो। हजरत बिलखुसूस आपकी नजर। जिनको भी तमन्ना है जिसको भी तमन्ना है जन्नत के नजारों की, जाकर वो मदीने की, जाकर वो मदीने की गलियों से गुजर आए। फरमाते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो आए मदीने की गलियां, वो
पर मजबूर हूँ इसमें निहायत तंग हो दस्ती है और एजाज डेयर साहब जो मेयर है यहाँ के, ये पांच मिसरे खमसे के हैं लेकिन तसव्वुफ है। मेरी तमाम ऑडियंस से इल्तिमास है, सिर्फ इतना कहें इस नात में शरीक हो जाए, गली में क्या कहें, क्या क्या बताऊं क्या है मदीने की गली में, वो खुद कहेंगे हुजूर क्या क्या बताऊं क्या है मदीने गली में। ऐसा लगना चाहिए मैं रायपुर में हूँ, ये वलियों का शहर है। जोर से क्या क्या बताऊं क्या है मदीने गली में, अनवार मुस्तफा है मदीने की गली में, असरार किबरिया है मदीने की गली में, वो मीम का पर्दा है मदीने की गली में, अमजद का जिक्र करते हुए, वो सल्ले आला नूर के पैगर की गली है, वो सल्ले आला नूर के पैगर की गली है, वो शेर खुदा फाता है खैबर की गली है, वो शेर खुदा फाता है खैबर की गली है, जहरा बतूल दुख्तरे सरवर की गली है, जहरा बतूल दुख्तरे सरवर की गली है, शकीर की गली है वो शक्कर की गली है। सरकार जामिया रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा ज़िसिया या रसूल अल्लाह, चुसूवे मन को दरबारी मने मुस्की दे नादारी, फिदाए नक्शे नालैना कुनम जा या रसूल अल्लाह, चुबाजूवे शका अदरा गुनाहे बर गुनाहगारा, चुबाजूवे शका अदरा गुनाहे बर गुनाहगारा, मतुल महरूमे जामीना दरा या रसूल अल्लाह, गुनाहों की पशेमानी से मैं घबरा के मर जाता, न होता डर शफाअत का सहारा या तशरीफ लाए आल कर इमदाद फरमाई, मुसीबत में जहां से पुकारा या रसूल अल्लाह, मुझे बेताब ये फुरकत ने मारा या रसूल अल्लाह, मुझे बेताब ये फुरकत ने मारा या रसूल अल्लाह, मुझे बेताब ये फुरकत ने मारा या रसूल अल्लाह, ला लीजिए मदीने में खुदा रा या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियां हो, मदीने की गलियां हो, मदीने की गलियां हो।
थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा साइड हो गए स्पीकर से। मनु जबी से बसाऊं मैं अपनी आंखों में, अगर नसीब से मिल जाए खाके पाए रसूल, अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता, ये कायनात बनाई गई बराए रसूल। ये शेर मैं कर रहा हूं, महबूब खुदा तेरे गुल मियां अशरफी रहमत अल्लाह के भाई, माफ कीजिए राशिद बक्की मियां रहमत शाह साहब के भाई हैं, हजरत के कुछ मिसरे हैं, वो कहते हैं कि निकला नबी का नाम जो मेरी जुबान से, अबरे कर्म बरसने लगा आसमान से, फूलों पे बादे जहरा के कुर्बान जाइए, दुनिया महक रही है इसी खानदान से। अब आले रसूल सामने है तो ये शेर पढ़ रहा हूं, महबूब खुदा तेरी क्या शान करीमी है, मुझे पैसों की दरकार नहीं है, सिर्फ आप सुभान अल्लाह कह देंगे मेरा मसला हल हो जाएगा। अभी भी सुनने के बाद सरकार मखदूम में सिन्हा हो, सरकार गरीब नवाज हो, या कुतुब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, अभी इनके मकामात देखे इन चार इसमें, सिर्फ जख्मों पे ये, सिर्फ जख्मों पे ये मरहम ही नहीं रखते हैं, सिर्फ जख्मों पे ये मरहम ही नहीं रखते हैं, चाक तकदीर के दामन भी सिया करते हैं, चाक तकदीर के दामन भी सिया करते हैं, कमली वाले के गुलामों के गुलामों के गुलाम, कमली वाले के गुलामों के गुलामों के गुलाम, कमली वाले के गुलामों के गुलामों के गुलाम, बादशाहों को भी खैरात दिया करते हैं। जोश में है, मैं क्योंकि हुजूर की शान अकदस है तो खड़े होकर, क्योंकि स्टेज ही मसला है सरकार,
और जोश में पूरी ऑडियंस से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आप लोग एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतना कहते रहे सुभान अल्लाह। क्या या शाहिद आलम, इस ग्राउंड का भी नाम सीरत मैदान है, जिसका नाम ही हुजूर की सीरत में होगी उसका आलम क्या होगा। और फिर उसमें उनके गुलाम बैठे हैं, आहा सरकार गुलामी पे चार मिसरे हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, मैं इस उम्मीद पे बैठा हूँ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है। और सही साहब, सिर्फ जख्मों पे इतना कहते रहे सुभान अल्लाह जो मिसरा पढ़ रहा हूं। या शाहिद आलम सल्ले अला सुल्तान अरब सुभान अल्लाह। तुम चुप हो जाओ, ये रायतों वाले हैं और इश्क रसूल में बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत में। या शाहिद आलम सल्ले अला सुल्तान अरब सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए रायतों में, जोर से कहना पड़ेगा, जिसे हुजूर से मोहब्बत है। या शाहिद आलम सल्ले अला सुल्तान अरब सुभान अल्लाह। तुम नूर मुजस्सम नूर खुदा ऐ पैकर रब सुभान अल्लाह। वो जिसने हमें ईमान दिया इस उम्मत पर एहसान किया, पढ़ने के लिए कुरान दिया वो उम्मी लकब सुभान अल्लाह। वो शम्स रुखे ज़ेबा उनका वल्लैल है उनकी ज़ा उनका वो आला नसब सुभान अल्लाह। कौसैन से जब वो आगे बढ़ा और कुल्फ दरे मिन्हा का खुला, पर्दे को उठा के रब ने कहा ऐ शाह अरब सुभान अल्लाह। बुर्रा और अफरफ दोनों रुके, जिब्रील भी आगे बढ़ न सके, अल्लाह ने पास में बुलवाया मेराज की शान सुभान अल्लाह। ये शेवन की तमन्ना है इतनी पढ़ता रहे उन्हें नात नबी, जब नाम नबी मुंह से निकले कहने लगे सब सुभान अल्लाह। फर्श कह कशा तक बिछाए गए थे, जमी आसमां सब सजाए गए थे, मोहम्मद गए अरश पर ये तो सच है, गए खुद नहीं थे बुलाए गए थे।
मेमन साहब की नजर कर रहा हूँ ये शेर। यहाँ से लेके वहाँ तक वही तो मालिक है ये कायनात। आप लोग हटोगे नहीं, चालू नहीं करेंगे। आप लोग पीछे जाइए थोड़ा थोड़ा, चलिए आपके हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज चलिए। आप लोग पीछे आइए भाई, बैठते जाइए प्लीज। ओ भाई जान प्लीज, इधर पूरा तार है भाई, पीछे आ जाओ। लेफ्ट वालों से भी गुजारिश है बैठ जाए। कंसोल के पास से भी पीछे हो जाओ भाई, आप लोग बैठ जाए जहां पर भी है। सबूत हूं मैं आशिक़े रसूल हूं, इतना ही बहुत है। चार मिसरे और देखें, इसी टॉपिक के नजर कर रहा हूं। तो जो जाऊंगा सामने वालों से, फूल तो फूल है पत्ता ना उखड़ने देंगे, फूल तो फूल है पत्ता ना उखड़ने देंगे, वो मेरा दामन हस्ती ना उजड़ने देंगे, कमली वाले मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे। हुजूर मौला कायनात का जिक्र सरकार की हदीस पाक है, मनकुन तो मौला फहाजा अलीहुन मौला, जिसका मैं मौला उसका। फिर फरमाया अली मिन नूरी वाहिद, उससे मैं हूँ उसी नूर से। तो उस नायब मुस्तफा का जिक्र, मौला कायनात का जिक्र एक नई मनकबत के साथ, जो मैंने अभी तक इसी इतराफ में नहीं पढ़ी है, वो इस पाल के साथ। हुजूर ने फरमाया कि अली का जिक्र भी इबादत है, तो उस पाल के साथ तवज्जो चाहूंगा। जितने अली वाले बैठे हैं सभी तवज्जो दी, एक बार नारा लगा दे, नारा हैदरी या अली। अब अहले सुन्नत वल जमात का नारा है नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली। अगर जनाब अली जैसी बात हो जाए, सब बढ़ा दें। अगर जनाब अली जैसी बात हो जाए तो तेरी मुट्ठी में कायनात तो हो जाए, जनाब मौला अली का इधर इशारा हो, उधर खुदा की तरफ से निजात तो हो जाए। जैसे नबी ने अली को इल्म दिया, कोई भी इल्म को ऐसे पिला नहीं सकता। अली का नारा लगाकर जो आए मैदान में, नया मक्का सरजमीने
रायपुर पे। अली मौला अली मौला अली मौला अली जन्नत में जा नहीं सकता।
गुस्ताखी है, लेकिन अगर इजाजत हो तो एक हदीसे पाक इस भरी सभा में रखना चाहता हूँ। और हदीसे पाक पहले रसूल पाक मौला कायनात के लिए। मैं इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि ये जो रात है हजरत कुतुब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे हाजिर है और यहां जितने भी आए सब फैज लेकर जाए सरकार का। लो भाई, क्योंकि दिन बनाए तो हम किसी के घर मेहमान नहीं जाते हैं। यहां आना ये मौका उसका आया तो मैं भी दर पे आया हूं, खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूं। जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके, कुतुब शाह वली ने बुलवाया तो मैं भी दर पे आया हूं। ईमान से पेश कर रहा हूं, बड़े सुकून के साथ ये हदीस पाक सुनना। और इसको रिवायत फरमा रही है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा। एक दिन कहती है अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि बाबा, जिस मजलिस में अली और आप इकट्ठे होते हो मैं देखती हूँ कि टिकटी की बांध के आप अली को देखते हैं, इसका मसला क्या है? तो सिद्दीक कहते हैं सच्चे को, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने हुजूर की जुबान से सुना है कि अली को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, इश्क़े अली में कह दो सुभान अल्लाह, अली को देखना इबादत है। और से सुभान अल्लाह, दूसरी रिवायत, अली अगर रास्ते से जा रहे हैं तुम्हारी अचानक से नजर पड़ जाए तो भी इबादत। अब 1440-50 साल बाद हम भी तो हैं, अली वाले हैं, तो हमारे लिए तीसरी रिवायत में फरमाया कि अली का जिक्र भी इबादत है। अब कितने अली वाले बैठे हैं यहाँ, अगर अली का दम भरते हो तो बाबा से बुलंद इस रात को इबादत में तब्दील करते हुए सिर्फ इतना कहें अली अली। क्या अली अली, मैं हर महफिल में इसलिए पढ़ता हूं कि हर महफिल में इबादत तब्दील हो जाती है। इस्लाम की ताकत अली अली। अच्छा, ये रायपुर वाले या किसी की राय नहीं चलती है, ये खुद मर्जी के फैसले करते हैं। आओ मियां, इस्लाम की ताकत अली अली, ऐसा नारा लगना चाहिए कि यहाँ तक आवाज अजमेर और अजमेर से नजफ तक जानी चाहिए दिल से। इस्लाम की ताकत अली अली, कुरान की चाहत अली अली, हम सब की मोहब्बत अली अली, सरकार की निस्बत अली अली, अल्लाह का प्यार अली अली, बेकस का सहार अली अली, तूफान में किनारा अली अली, हमें दे दो सहारा अली अली, हर दिल ने पुकारा अली अली, हर दिल का है नारा अली अली, काबे काबे का काबा अली अली, हसनैन का करते हैं।
बरबरी मशहूर इब्ने तालिब थी, हजरत बेदम चवारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
फजल रब्बे जुल्मन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, हल्का हल्का सा, मामूली मामूली सा। फजल रब्बे जुल्मन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जाने पाके पंजतन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। ए गरीबों के हिमायत बेकसों के दस्तगी, यक नजर बर मन फिगन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। यक नजर बर मन ख्वाजा मोइनुद्दीन आते हैं, खुल्द के झूलते झूलों में नजर आते हैं। चिश्तिया खुशबू बसाए हुए मेरे ख्वाजा, बागे हसनैन के फूलों में नजर आते हैं। बागे हसनैन के फूलों में नजर आते हैं। साहब पहली मरतबा रायपुर में ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ जो हमारे दुनिया भर में मकबूल है। क्या करें हम, थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा माहौल बना दे। चिश्ती आदर के फकीरों में गिने जाते हैं, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। मिल गई है तो ये निस्बत नहीं जाने वाली, जो मिली मुझको वो शोहरत नहीं जाने वाली। मैं खिलौना हूं मगर चिश्तिया दरबार का हूं, टूट भी जाऊं तो कीमत नहीं जाने वाली। सुनो भैया, अजीम शान हलका है, अजीम शान ख्वाजा का है घर अजमेर तो दिल्ली है वो दालान ख्वाजा का। मुझे इज्जत मिली शोहरत मिली है चिश्तिया रंग से, ये मुझ नाचीज पर तो देखी है एहसान ख्वाजा का। दीनों ईमान की रोशनी मिल गई, यानी इरफान की रोशनी मिल गई, रब के फरमान की रोशनी मिल गई, मुझको कुरान की रोशनी मिल गई। रूह को नूर का आईना मिल गया, हमको ख्वाजा मिले तो खुदा मिल गया, तो तुझे क्या पता। पहचान है, पहचान रहेगा, ख्वाजा मेरा सुल्तान है।
एक बार कहते हैं हक मोई हक मोई, नजर कर रहा हूँ बाबा साहब, सुनो भैया तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने नजर कर रहा हूं तुझे क्या बताऊं मेरा राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, मैं कैसे भूल जाऊं तुझे है मेरे ख्वाजा,
शुक्रिया। देखा मैं तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया, कल तक तो मेरे नाम से वाकिफ न था कोई, परम ने दुनिया में मशहूर अपनी कुदरत से। लेकिन सरकार के आस्थाने में जब मैं गया तो एक रूहानियत, एक वहदानियत जो है वो ऐसी नजर आई कि मेरा दिल खिंचा, क्योंकि मेरी तलब भी इन्हीं के कर्म का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। इसलिए ये सरकार कुतुब वली रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से शेर पढ़ रहा हूँ। सुनो भैया फारूक भाई हाजी साहब, तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। माल दौलत की तमन्ना न मुझे शोहरत की, तमन्ना ना मुझे शोहरत की, कुछ भी दे दे कुछ भी दे दे, तेरी चौखट का उतारा से है। चार मिसरे इसमें है, सुन के शोहरत तेरी मेरे पुतबू वली, लेके दिल में ये गम का पयाम आए हैं, सुन के शोहरत तेरी मेरे पुतबू वली, लेके दिल में ये गम का पयाम आए हैं, अब तो लिल्लाह नजरे करम कीजिए, साबिर के दर के गुलाम आए हैं मेरे बाबा, कुछ भी दे दे तेरे चौखट का उतारा कर दे, दे दे तेरे चौखट का उतारा। सर को सर मुझको अल्लाह ने, मुझको अल्लाह ने भेजा है सरकार। मखदूम पाक की नस्बत से पढ़ रहा हूं, क्योंकि रायपुर नगरी जो है बड़ा गर्म है सरकार मखदूम पाक का। इस नगरी पर जितने अशरफी, साबरी, चिश्ती, निजामी, कादरी इस महफिल में बैठे हैं, मैं अशरफ भाई तवज्जो चाहूंगा। मंजिले अबूरवे खमदार से आगे ना गए,
हम तो मिट कर भी ये तेरे यार से आगे ना गए। गुल हवस झोलियां ले लेके भटकते ही फिरे हम कभी अशरफी दरबार से आगे। मखदूम पाक से मेरी निस्बत इसलिए है क्योंकि मेरे दादा सगे दादा सरकारे कला हजरत मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह से बैत है। हम साबरी भी हैं और अशरफ जी भी हैं क्योंकि मखदूम ये भी है और मखदूम वो भी है। इन्हें मखदूम साबिर कहते हैं, उन्हें मखदूम अशरफ कहते हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, दुनिया खिलाफ है तो मुझे क्या बनान है, उसे खुद ख्याल है। जरा देखो उनकी चौखट की बुलावी को गवारा करते हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष असलम भाई, उनसे गुजारिश है कि स्टेज में तशरीफ ले आए। आप लोग बैठ जाएं, पीछे खसकते जाएं, बहुत आप सभी से गुजारिश है, और जगह बना लीजिए पीछे प्रोजेक्टर के सामने। अरे ये प्रोजेक्टर आप लोग स्टेज के सामने जो है ना, और पीछे खसक जाएं, बहुत जगह पीछे, प्रोग्राम शुरू नहीं होगा खड़े रहोगे तो। भाई प्लीज पीछे खसक जाओ। मोरे भाग जगह मोरे अंगना
शुरू नहीं करूंगा। तुम भी बैठ जाओ, नहीं तुम थोड़े साइड हो जाओ, बैठ जाए बैठ जाए।